यजीद, बाज लोग यजीद को, यजीद बिन मुआविया को, अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु सहाबी रसूल, मुसलमानों के मामू, उनकी बहन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा मुहतरमा, कातिबे वही, 64 लाख मुरब्बा मील कुर्रा अर्ज पे तौहीद का झंडा गाड़ने वाले सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु। कुछ लोग यजीद को सैयदना हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के मुकाबले पर पेश करते हैं। यजीद का मुकाबला किससे करते हैं? सैयदना हुसैन से। ये जुल्म है, ये जुल्म है। मेरा जुमला याद रखिएगा, 1 करोड़ यजीद हो, कितने? 1 करोड़ यजीद हो, सैयदना हुसैन के पाँव की खाक के बराबर, ये सहाबी रसूल, ये नवासा रसूल, ये जन्नत के नौजवानों के सरदार। हुसैन कौन है? जन्नत के नौजवानों के सरदार, अली के बेटे, फातिमा के लखते जिगर, रसूल के फूल खुशबू, नबी की खुशबू, नबी का नवासा, जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कंधों पे सवार करा के सैर कराया करते थे। और उमर कहा करते थे, हुसैन तेरा क्या कहना, तू कितनी प्यारी सवारी पे सवार है। और प्यारे हबीब उमर को कहा करते थे, उमर सवारी भी प्यारी है, सवार भी बहुत प्यारा है। यजीद बामुकाबला हुसैन, ऐसा आदमी जालिम है जो यजीद को हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु वर्दा के मुकाबले पे पेश करता है। करोड़ यजीद भी एक हुसैन नहीं हो सकते, लेकिन दुनिया राफ़िदियत के करोड़ ज़ाकिर यजीद के बराबर भी, करोड़ ज़ाकिर यजीद के बराबर भी, यजीद को बैठ के गालियां देने वाले अपने मजमू के अंदर और अल्लाह के साथ शिरक अकबर करने वाले, यजीद जैसा कैसा भी था काफिर मुशरिक, और जो जाकिर आज यजीद को गालियां देते हैं ये मुशरिक है, ये बदअकीदा है, इनका कुफर खुला हुआ कुफर है। तो यजीद को बामुकाबला हुसैन पेश करना भी जुल्म है। और यजीद को, ये जितने दुनिया जहान के जाकिर हैं इन सारे जाकिरों से अफजल है यजीद। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमारी खताओं को माफ फरमाए। ए अल्लाह, हम तुझे गवाह बनाकर कहते हैं, मौला इस सीने में अली का प्यार है, इस सीने में हुसैन का प्यार है, इस सीने में हसन का प्यार है, इस सीने में फातिमा का प्यार है, इन सीनों में अहले बैते रसूल का प्यार है, अस्हाबे रसूल का प्यार है। अल्लाह, तुझे तेरे प्यारे नामों का वास्ता है, हमें क़यामत के दिन आले मोहम्मद, अस्हाबे मोहम्मद और मोहम्मद रसूलुल्लाह का पड़ोसी बनाना। जहाँ हसन हो, जहाँ हुसैन हो, जहाँ अली हो, जहाँ फातिमा हो, जहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह हो, अल्लाह हम इनसे मोहब्बत करते हैं बड़े गुनाहगार। हमारे अमल, जिंदगी भर के अमल भी अहले बैत और आले रसूल के हम एक नेकी के बराबर भी नहीं हो सकते। हमारे अमल ऐसे नहीं है कि हम अहले बैत के पड़ोसी बनने की ख्वाहिश कर सके। ऐ अल्लाह, लेकिन हमें तेरे नबी का फरमान मिला है, जो जिससे मोहब्बत करता है क़यामत के दिन उसी के साथ होगा। अल्लाह तू गवाह रहना, हम तुझसे मोहब्बत करते हैं, तेरे रसूल से मोहब्बत करते हैं, तेरे रसूल के अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, तेरे रसूल के अस्हाब से मोहब्बत करते हैं, और तुझसे दुआ करते हैं क़यामत के दिन हमें जन्नतुल फिरदौस में मोहम्मद, आले मोहम्मद, अस्हाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोसी बनाना। लेकिन अच्छे इंसान को अगर लानत भेजते हैं, भाई साहब तो इतना खड़ो के बात के ऊंची आवाज में, आखिर के दिन पे अल्लाह ताला जब उन्हें पूछेंगे कि क्या सबूत था आपके पास, और मैंने ये कहा, फिर मैंने वापस आके जितने दारुल उलूम है, अक्सर देवबंद, नदवा, सबको खत लिखा, अहले हदीस, जमात इस्लामी, सबको को लिखा। मैंने कहा सही कहा, बोला रजी अल्लाह अन, मैं अल्लाह के पीर के दिन आमतौर पर सहाबा को कहते, लेकिन नॉन सहाबा को भी कह सकते। यजीद के बारे में इख्तिलाफ है, कुछ कहते करना चाहिए कुछ नहीं। इमाम गजाली फरमाते हैं, क्या रहीमुल्लाह कहना मुस्तहब है? इमाम गजाली तो बदले दिया मैंने,
कही और कहा कि आप देखेंगे जो कर्बला की जंग थी, कूफा के लोग ने, कूफा के लोग ने हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु उनको बुलाया और उनके साथ साजिश की। अगर आप सही हदीस पढ़ते उसके अंदर लिखा थे कि हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु वो चीज चाहते थे कि मैं हजरत अली के नाम पे बैठ लूं या मुझे मक्का जाने दे दो, मैं तारी बाकी जिंदगी अल्लाह के नाम गुजारूंगा, या मुझे कोई ऐसे देश पे छोड़ो जहां मैं जंग कर सकूं। तो वो यजीद की इज्जत करने लगे आखिर में। लेकिन कूफा के लोग जानते थे कि अगर हम पकड़े जाएंगे तो हमारा पोल खुल जाएगा, तो 19 साल यजीद की हजरत हुसैन के साथ चला हुआ। और मैंने ये कहा मेरे प्रेस नोट के अंदर, जो भी असल कातिल है हजरत हुसैन का रज़ी अल्लाह अन्हु, मैं उस पर लानत भेजता हूं। अल्लाह के रसूल के नवासे थे, हम उनकी इज्जत करते हैं। वो साहबा में चल रहा उनके गाँव में, मैं कहता हूं उनके कातिल को करूं। जो भी असर और सही हदीस ये साबित होता है कि जब उनको पता चला यजीद रहमतुल्लाह को पता चला कि हजरत हुसैन का कत्ल हो चुका है, तो रोए। लेकिन ये सब बात वो लोग नहीं मानते, उनके हदीस की किताब अलग है, वो बुखारी में कहा मानते। तो आप लोग उनके साथ मिल जाते, अफसोस की बात किससे डर रहे आपको। ये पाकिस्तान में बहुत कॉमन है कि पाकिस्तान में आमतौर पर झगड़ा पता तो हमने बॉम्बे में होता ही नहीं, कि बॉम्बे में हुआ तो लोग ने किया, मैं आके आलोचना बोल। तुम इंटरनेट पे देखा, मैंने इस पे वेबसाइट पे देखा, क्या देखा, सारे हवाले के साथ। तो लोग को गलत फहमी है कि यजीद नौज बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का कत्ल किया। उन्हें तो कत्ल किया नहीं, वो खलीफा थे उस टाइम, उन्हें रजा करने का हुक्म भी नहीं दिया, उन्हें गवर्नर था। और कूफा के लोगों को सही हदीस जब आप पढ़ेंगे, सही तारीख पढ़ेंगे, सीरत पढ़ेंगे साहबा के बारे में, तो आपको पता चलेगा। अगर आप गलत किताब पढ़ेंगे, अगर सलमान रज़ी किताब पढ़ के आप फैसला लगाएंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे थे, तो ये हालत होगा। हम मानते हैं कुरान में और कुरान में के बाद अहले सुन्नत वल जमात का इज्मा है कि बुखारी के लिए। आप जो मुसलमान भटके हुए हैं उनके साथ मिलके आप सही बुखारी के खिलाफ जाते हैं, क्या हो गया मुस्लिम उम्मत को, क्या हो गया, किससे डरने का आपको। 40 का नंबर आगे आए कोई करते नाम के लिए। और अगर ये तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के आयत इन अल्लाह मा साबरीन अल्लाह खबर करने के साथ है, अगर हम 20 चीजों का जरिया बनाए दे इनका पूरा होल्ड फास्ट करने के लिए तो उनको मुश्किल पड़ जाएगी। लेकिन हम नहीं चाहते कि फितना पीसी में पाए, हम नहीं चाहते कि पीसी में फितना है। ये छोटा मोटा मसला है, कितने लोग हैं हिंदी के, कितने मेरा मेन टारगेट तो सारी इंसानियत है, ये मुसलमान है। ये लोग सवाल पूछना चाहते पूछने दो, बेशक दो, प्रॉब्लम क्या, टॉपिक के बाद में तुम्हें जवाब दूंगा, सवाल सुन ले, क्या प्रॉब्लम है, कोट करो हदीस कुरान हदीस शरिया माशाल्लाह। हमें उनके साथ देना चाहिए तो कुरान और सही अल्लाह अल्लाह के रसूल के साथ। लेकिन जो गड़बड़ करके गलत चीज फैलाता है वो इतना साफ वादे तौर पर जब कर चुका हूँ जो असल में हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का कातिल है, मैं उनके खिलाफ उनमें ला देते। अभी लोग बोलते हैं कि 9/11 को बिन लादेन ने किया, बिन लादेन को दोषी ठहरा, मैं क्यों ठहरा, मुझे क्या पता बिन लादेन ने क्या जॉर्ज बुश ने किया। आप बिन लादेन को दोषी ठहरा, मैं क्यों ठहरा, मैं क्यों जानता हूं, मैं बिन लादेन का दोष भी ना दुश्मन भी नहीं हूं, मैं क्यों बिन लादेन को गाली दूं जबरदस्ती। तो जो लोग बीबीसी सीएनएन कर रहे हैं वही लोग ये कर रहे हैं, आप उनके साथ शामिल होते हैं, अफसोस की बात है, क्या हो गया मुस्लिम उम्मत को, अफसोस की बात है। अरे बीबीसी मुझे आज कहती है कि आप बिन लादेन को दोषी ठहरा, मैं बोलूंगा जिसने भी 3,000 से ज्यादा लोगों का कत्ल किया है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में वो दोषी है, अल्लाह ताला को सजा दे। इनोसेंट लोग का कत्ल करना हराम है इस्लाम में। सूरह मायदा में सूरह 5 आयत नंबर 32 में लिखा हुआ है, कोई भी इंसान दूसरे इंसान का, चाहे मुस्लिम है गैर मुस्लिम हो, अगर सिर्फ मर्डर के बदले मर्डर, कत्ल के बदले कत्ल, या अगर वो फसाद फैला रहा है
इस धरती पे, उसके अलावा कोई भी किसी का कत्ल करता है वैसा एक सारे इंसान के कत्ल करता है। इस्लाम में एक भी बेगुना मासूम इंसान का कत्ल करना हराम है। तो जिसने भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 3,000 से ज्यादा लोगों का कत्ल किया है, मैं उसको दोषी ठहराता हूं। मैं मिल्ला का नाम क्यों लूं? मैं मिल्ला ने इंटरव्यू किया या नहीं किया है? आप समझे? तो आप लोग हमारे मुसलमान किसको भी दोषी ठहराते? मीडिया जो है ना, क्या मीडिया विलन इंटो हीरो, हीरो इंटो विलन। एक चीज अच्छी बात हुई, एक चीज अच्छी बात हुई अल्हम्दुलिल्लाह, उस पाए ये पहली बार मुंबई में मुहर्रम में किसी ने भी अल्हम्दुलिल्लाह हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान खाली नहीं। और हर मौसम में ये तीन लोगों को गाली देते। ये पहली बार बॉम्बे में इतना एजिटेशन हो गया, हमने तो रिस्पॉन्ड किए और मैंने लिखा कि अगर इन लोग खुल्ला खुल्ला गाली दे रहे, हम लोग क्या कर रहे हैं, क्यों बैठे? तो पुलिस इतनी चौकड़ी हो गई, माशाल्लाह माशाल्लाह, खुल्ला आम आम रास्ते पे अल्लाह का फजल है। मैंने कहा मुझे हजार गुना गाली दो, कोई फायदा मुझे कोई भी शिकायत नहीं है। अगर आप हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु उनको गाली देना बंद कर देंगे, मुझे हजार गुना दो, मुझे कोई एतराज नहीं। तो ये हकीकत थी, हमें लोग के जान में, मीडिया के जान में नहीं आना चाहिए। वो यूट्यूब, ये इंटरनेट, तुम्हारा पिछली में माशाल्लाह 7 करोड़ लोग देखते हैं और हम चाहते हैं कि इसको हम खराब करें। ये छोटे मोटे मसले से खराब नहीं करना चाहते। और एक चीज है कि अक्सर ये लोग, ये ग्रुप के लोग सही रास्ते पे आ रहे हैं, उनको हसम नहीं होता। ज़ाकिर भाई की बात सुनकर सही रास्ते पे आ रहे हैं, इस्लाम पे आ रहे हैं, कुरान से हदीस पे आ रहे हैं, तो क्या उनकी दुकान बंद हुई? तो उन लोग सोचते हैं और उस कॉन्फ्रेंस में सैकड़ों वो फिरके के लोग थे, क्योंकि चाहते मुझे नहीं, तो वो ये लोग चाहते थे किस तरीके से भी डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को बदनाम करे। इसमें कुरान की आयतें सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 54 54, मकरो मकर अल्लाह वल्लाह खैरुल माकिरीन। उन्होंने प्लान किया, प्लॉट किया, अल्लाह ने भी प्लान किया, प्लॉट किया, अल्लाह खैरुल माकिरीन, अल्लाह सबसे अच्छा बेहतरीन प्लान करने वाला है।